इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सेंचुरी में से एक कम यानी 99 सीटें मिली हैं। 2014 में 52 और फिर 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार उसे उपलब्धि मान रही है। इससे पहले पार्टी काफ़ी खुश है और गठन के सपने देख रही है। कांग्रेस ने इसी 9 तारीख को कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इसमें ये सोचा जाएगा कि नतीजों को देखते हुए सरकार का गठन की कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं। इस सब के चलते ही आज शाम 5 बजे खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें वो नतीजों के साथ साथ शायद सरकार के गठन पर भी कुछ सूचना देंगे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में सिर्फ पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन को लेकर सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित हो सकता है। कांग्रेस के इस नतीजे को लेकर फिलहाल काफ़ी उत्साह है और खास आकर राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। चुनावी नतीजे के तुरंत बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी ने खुद देश में 2 यात्राएं निकाली थीं। इसी के चलते लाखों लोग पार्टी से जुड़े थे, वो पूरे देश में घूमे थे, जिसका फ़ायदा भी कांग्रेस को अच्छे नतीजों के तौर पर मिला है। बता दें कि NDA को भले ही पूरा बहुमत मिल गया है, लेकिन भाजपा के 272 के आंकड़े में अभी भी 32 की कमी है, जिससे कांग्रेस बहुत उत्साहित है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर BJP और NDA में बात बिगड़ती है तो सरकार बनाई जा सकती है। कांग्रेस के पवन खेड़ा और RJD के तेजस्वी यादव ने ये बात भी कही थी कि सरकार बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात गौर करने की है कि 10 सालों के बाद विपक्ष को इतनी सीटें मिली हैं।